गोटे दुईटी कथा निरंतर आसे से कथाटी है आगामी दिन में छेंडीपदा ब्लॉक रो स्वरूप कौन हम एठी निसारे जिंदल भलिया गोटी अत्याधुनिक लुहा कारखाना गढ़ी उठी आज जी क्षमतार लुहा कारखाना अच्छी आगामी दिन में ये तीन गुण हम आज 6 मिलियन टन रो कैपेसिटी अच्छी ये धीरे धीरे 4 गुण हम 25 मिलियन टन पर्यंत जीव ये योजना अच्छे एठी छेंडीपदार आमर किछि वर्ष पूर्वे कोयला खणी चालूला कम कोयला थिला परवर्ती अवस्था रे बंद हो गला सुभद्रा आने कमरे कंक्रेई अंचल रे एमसीएल को कोयला ब्लॉक आलोकेशन है कावले जी ये जो उत्साह आप देख रहे हैं ना ये सेंट्रल स्कूल के लिए तो है ही लेकिन उससे ज्यादा आप उनकी फाइनल आवर कब कर दोगे उसके लिए ज्यादा अपेक्षा है और मेरा सुझाव रहेगा कोल इंडिया को एमसीएल को इसलिए सुझाव रहेगा विशेष सुझाव में बता रहा हूं क्योंकि इस इलाका में मेरे जानकारी में नेल्को की एक खदान चल पड़ा है सिंगरेनी का एक खदान चलने वाला है जिंदल की खदान शायद चल पड़ा है ये तीन खदान तो इस बेल्ट में चल ही रहा है यही तीन है या और कोई है फिलहाल यही तीन है और आज फिर एमसीएल ये शायद आने वाले 4-5 महीने में एमसीएल भी खदान के काम शुरू कर देगा यानी छेंडीपदा ब्लॉक रे भी चारोटी कंपनी र काम एठी आरंभ हो दुई तीन टी रो होची आउ गोटे रो आरंभ हो लेकिन ये सब की बेसिक रेफरेंस पॉइंट ये सुभद्रा इलाका होने वाला है एमसीएल ही होने वाला है यहां की लैंड एक्वेशन कितना पारदर्शी तरीके से हुआ यहां की कंपनी सेशन रिहैबिलिटेशन कॉलोनी से लेकर नौकरी तक कितना अच्छा पैकेज मिला जो लोग काम करेंगे उनको सुविधा कैसे मिलेगा आप ज्यादातर एमडीओ में काम करने वाले हो यह नई पद्धति है यहां के लोगों ने उसको स्वीकार भी कर लिया है किंतु ये सबू विषय गुड़िक जिते जल्दी ये अंचल कावले जी इस इलाका में लोगों के मन में सहयोग की भावना रहता है कोयला कंपनी हमारी जमीन ले लेकिन हमारी जो जेन्युइन हक है उसको बिना लाग लपेट बिना इधर उधर करते हुए सीधा सीधा हमको पारदर्शी तरीके से दे आप देश के कई इलाका में आपकी टीम की लोगों ने काम किया आप भी काम किए आपकी टीम के लोग और जो नीचे आपकी टीम बैठा है ये ना केवल महानदी कंपनी देश की अन्य कोयला कंपनियों में भी काम कर रहे होंगे लेकिन मैं नहीं मानता हूं अनुगुल जिले में आपको लैंड लेने में जितने कोऑपरेशन मिलता है मेरे जितनी जानकारी है देश में किसी भी इलाका में इतनी कोऑपरेशन नहीं मिलता है लेकिन हमारा अपेक्षा भी रहेगा हम आपको कोऑपरेशन कर ही रहे हैं तो आप लोगों का भी कोऑपरेशन करोगे और पारदर्शी तरीका से इस विषय पे विशेष करके जो आपका सुभद्रा इलाका शुरू होगा कमरे इलाका शुरू होगा उसको पारदर्शी तरीका से ट्रांसपेरेंटली टाइम बाउंड जितना हक है हक तो जिला प्रशासन को बिठा के फैसला करना पड़ेगा हक गांव वालों के मन में जो अपेक्षा है आप और गांव वालों की दोनों की बातचीत जिला प्रशासन की मध्यस्थता में करनी पड़ेगी यह जितना पारदर्शी तरीके से होगा उतना अच्छा गांव वालों के लिए तो है ही लेकिन आपके लिए भी ज्यादा फायदा है आप ज्यादा कोयला उत्पादन करो देश की विकास करो हमारी कोई आपत्ति नहीं है लेकिन लोगों की भी आप चिंता करो यही अपेक्षा लोगों की है
लोकों को पाई भी कोयला कंपनी चिंता करू एटा लोकों को अपेक्षा या हाँ कि नहीं भाई मैंने एतिकी तो कथा जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।